सिग्नेचर ई कॉम सॉल्यूशंस, आई एम ऋषि। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्लिपकार्ट के एफएसजे और बैच के बारे में। तो आपको पता होगा जैसे कि फ्लिपकार्ट में अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपके पास अगर एफएसजे और बैच है तो आपकी सेलिंग के, आपकी विजिबिलिटी के चांसेस जो है वो बहुत हाई रहते हैं, राइट। सो अभी तक जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एक एफएसजे पे, वहां पे मैंने बताया था कि तीन तरीके से एफएसजे बैच मिलते हैं। एक तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट 2.0 निकालता है जो ऑटोमेटिक, जिससे आपको फ्लिपकार्ट एफएसजे बैच मिल जाता है। उसके अलावा दूसरा होता है स्मार्ट ऑनबोर्डिंग, जहाँ पे आप स्मार्ट में अपने वेयरहाउस को फ्लिपकार्ट के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं और आपको एफएसजे मिल जाता है। तीसरा होता है फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस पे आप सामान रखते हैं तब। तो जैसे कि आपको पता होगा अभी रिसेंट नोटिस के हिसाब से फ्लिपकार्ट का जो स्मार्ट ऑनबोर्डिंग है वो रिवैम्प कर दिया गया है, उसको अब हटा दिया गया है। अभी चल रहा है फिलहाल, बट आई गेस बीबीडी के बाद ये टोटली क्लोज हो जाएगा। अब इसके पीछे कुछ रीजन बता रखे हैं फ्लिपकार्ट ने कि जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होता था, इस वजह से हटा दिया है, और आप एफएश्योर बैच अब ले सकते हैं नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो ये कुछ रीजन है, मेन रीजन ऑपरेशनल कॉस्ट का, जैसे वन बाय वन ऑर्डर प्रोसेसिंग करने की जरूरत ना पड़े आपको, रैक्स एंड बिन्स, जो प्रिंटर स्कैनर वगैरह वगैरह की जरूरत ना पड़े, राइट। सो इन चीजों की वजह से स्मार्ट को हटा दिया गया है। बट अब फिर एफएश्योर आपके प्रोडक्ट को कैसे मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे एफएश्योर दिख रहा है, बट आपके प्रोडक्ट को एफएश्योर कैसे मिलेगा, आप एक नए सेलर हैं तो कैसे मिलेगा, पुराने सेलर हैं तो कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वन बाय वन हम सारे पॉइंट्स को समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन होता है कॉमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो rishi.ecommerce पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। सीधे बढ़ते हैं वीडियो की ओर, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं थोड़ा इसमें आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो ये वाला पेज में मैं आपको बताता हूँ न्यू सेलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एफएश्योर क्या रहेगा। सबसे पहले हम ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है ये पढ़ लेते हैं। प्लीज नोट अबव क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल फॉर फ्लिपकार्ट अश्योर 2.0, फ्लिपकार्ट अश्योर 2.3.0 प्रोग्राम ऑल्सो, नो चेंजेस विल बी लिस्टिंग लेवल क्राइटेरिया। तो लिस्टिंग लेवल पे जो क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको पता है अश्योर पाने के लिए जो रेटिंग है वो 3.5 जरूर होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, प्लस आपके प्रोडक्ट जो है वो सारे एक्सप्रेस में होने चाहिए, राइट। इन स्टॉक की बजाय एक्सप्रेस में होने चाहिए, राइट। तो ऑब्वियसली ये चीज आपको पता भी होगी, आप यहाँ से अगर एडिट लिस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट यहाँ पे एक्सप्रेस में है या इन स्टॉक में है। तो ये एक्सप्रेस में होना चाहिए आपका प्रोडक्ट, रेटिंग उसकी जो टोटल रेटिंग है वो 3.5 से ऊपर होनी चाहिए। तो फ्लिपकार्ट जो पहले एफएश्योर देता था उसको फ्लिपकार्ट एश्योर 2.0 बोलते थे, अभी 3.0 इन्होंने निकाला है। तो अब क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो रेटिंग गुड, राइट, वो तो होना ही होना चाहिए 3.5 से ऊपर, प्लस एक्सप्रेस होना चाहिए, राइट। अब आते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन की ओर। यहाँ पे क्राइटेरिया में वन बाय वन आपको बताऊंगा। ओल्ड सेलर्स के लिए ये क्राइटेरिया है, न्यू सेलर्स के लिए ये क्राइटेरिया। ओल्ड सेलर मतलब जिनको 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गया है। सेलर न्यू सेलर मतलब जिनको अभी 3 महीने से कम हुआ है। तो दोनों के लिए क्राइटेरिया थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर है। सबसे पहले वीकली ऑफ, आपका एक भी वीकली ऑफ नहीं होना चाहिए, आपको 7 डेज वर्किंग करना पड़ेगा। अगर आपको 7 डेज वर्किंग करना है, देखना है, चेक करना है, तो आप उसके लिए मैनेज प्रोफाइल पे जाके, राइट साइड में आपको मैनेज प्रोफाइल मिल जाएगा, यहाँ पे आप कैलेंडर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीकली ऑफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीकली ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको मैं देखिए नॉट सेलेक्टेड, मतलब कोई भी वीकली ऑफ यहाँ पे नहीं है। तो आपको कोई भी वीकली ऑफ नहीं लेना है सबसे पहले। तो अगर है आपका कोई भी तो आप जाके यहाँ पे नन नन करके सेव कर सकते हैं। अभी ये चेंज नहीं होगा बट आपका चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये स्मार्ट में है तो अभी इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले 7 डेज वर्किंग होनी चाहिए ऑफ द वीक और ऑपरेट फ्रॉम द मोर देन वन जोन। तो इसको हम हटा देते हैं, और मोर देन वन जोन का सीधा सा मतलब है कि अगर आप फ्लिपकार्ट वेयरहाउस पे काम करते हैं तो, राइट। न्यू सेलर्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, सेलर हैज टू वर्क फॉर सेवन ऑल 7 डेज, राइट, फॉर लास्ट 30 डेज, राइट। पिछले 30 दिन में आपको कंटिन्यू 7 डेज वर्किंग आपका होना चाहिए। सो पिछले 30 दिन आपने अगर लगातार काम किया है तो ये क्राइटेरिया आपका वीकली ऑफ का फुलफिल हो जाएगा, राइट। डिस्पैच ब्रीच, जहां पुराने सेलर के लिए ये 0.85 से कम होना चाहिए और नए सेलर के लिए ये 1% से कम होना चाहिए। थोड़ा रिलैक्सेशन में दिया गया है लास्ट 90 डेज में, और यहाँ पे लास्ट 90 डेज प्लस लास्ट 30 डेज में भी ये परसेंटेज कम होना चाहिए। इसको अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे ग्रोथ में जाके, ग्रोथ में परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे जाएंगे,
और परफॉर्मेंस ओवरव्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं, लास्ट 30 डेज में मेरा कितना हुआ है, लास्ट 90 डेज में कितना होगा। लास्ट 90 डेज में देखूँ तो यहाँ पे मैं डिस्पैच ब्रिज 0.09 का है जो कि क्वालिफाई होता है, राइट। उसके बाद सेलर का इंसुलेशन जो है आपके लास्ट 30 डेज और 90 डेज में 0.15 से कम होनी चाहिए। तो हम सेलर का इंसुलेशन भी देख लेते हैं। सेलर का इंसुलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0% का है लास्ट 90 डेज में, और लास्ट 30 डेज में भी ये यहाँ पे 0% का है, तो ये इसमें भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। वहीं न्यू सेलर के लिए सेलर का इंसुलेशन 0.15 से सेम है, 0.15 से कम होना चाहिए, राइट, टोटल लास्ट 90 डेज का फिल्टर लगाने के बाद, राइट। उसके बाद पिकअप रीअटेम्प्ट जो है वो 3% से कम का होना चाहिए पुराने सेलर के लिए, देख लेते हैं एक बार। 3% से कम तो यहाँ पे आप चेक करेंगे पिकअप रीअटेम्प्ट 0.06% है, तो ये 3% से काफी कम है। वहीं न्यू सेलर के लिए 3% से कम होने चाहिए लास्ट 90 डेज का फिल्टर लगाने के बाद। उसके बाद यूनिट सोल्ड का भी यहाँ पे टारगेट है। यूनिट सोल्ड ओल्ड सेलर के लिए तो कुछ भी नहीं है क्योंकि 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो यूनिट सोल्ड का कोई ज्यादा क्राइटेरिया है नहीं यहाँ पे। बट यहाँ पे न्यू सेलर्स के लिए है कि आपका कम से कम 50 यूनिट बिक जाने चाहिए, उसके बाद ही आप एफिशॉर्ट वगैरह के लिए आपको आप क्वालिफाई हो जाओगे। या तो 50 यूनिट बिक गए होने चाहिए, या तो आपका ग्रॉस वैल्यू जो है सेल का वो 50,000 से ऊपर हो जाना चाहिए। ये भी आप चेक कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस ओवरव्यू पाएंगे यहाँ पे, चेक यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपका यहाँ पे ग्रॉस सेल्स दिख जाएगा। ये देख सकते हैं ये 11 लाख का दिखा रहा है जैसे कुछ यहाँ पे 27 जुलाई से 25 अगस्त तक। तो वहीं आपका टोटल जो सेल्स है वो 50,000 से, ग्रॉस सेल्स की मैं बात करूँ, 50,000 से ऊपर हो जाना चाहिए। तो ये जैसे ही ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे, आप एक चीज आप देखोगे कि आपका जो लिस्टिंग टैब है, मैं लिस्टिंग टैब में आ जाता हूँ, ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा, उसके बाद आप क्वालिफाई हो जाओगे, राइट। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक नोटिस भी आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेल आइकन है, तो नोटिस भी आ ही जाएगा कि आपके कुछ लिस्टिंग जो है वो एलिजिबल है। प्लस आपको बैनर भी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आप चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एफिशॉर्ट पे जाएंगे तो एलिजिबल फॉर एफिशॉर्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो जो लिस्टिंग आपकी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आपका पूरा अकाउंट एफिशॉर्ट नहीं होगा, सिर्फ वही लिस्टिंग होगी जो ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगी, प्लस एक्सप्रेस में होंगी, प्लस 3.5 से रेटिंग उसकी अच्छी चल रही होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, मान के चलिए आपने एलिजिबल फॉर एफिशॉर्ट पे क्लिक किया और आपकी 3 लिस्टिंग यहाँ पे निकल के आई, जो 3 लिस्टिंग आपकी है उनको आपने मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे बल्क एक्शन पे जाना है, और बल्क एक्शन पे जाने के बाद एड टू फ्लिपकार्ट प्लस फॉर फ्री शिपिंग इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। वैसे तो देखिए ऑटोमेटिक हो जाएगा, बाकी ऑटोमेटिक नहीं होता है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। साथ साथ में आपने क्या करना है, अपना सेटिंग में जाके, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे सेटिंग में जाके आपका एफिशॉर्ट का जो बटन है उसको हमेशा आपने ऑन करके रखना है। जैसे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने मैनेज प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा, ये सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे एक एफिशॉर्ट का ऑप्शन होता है, इसको आपने ऑटोमेटिकली, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा था, देखिए अभी इसको आपको ब्लू करके रखना है, ओके करके ब्लू करके इसको रखना है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी, लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को आप बताओ, कमेंट में बताओ, मैं जवाब सारे वीडियो फॉर्म में आपको इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करा देता हूँ। बाकी कोई भी अगर डाउट होता है तो आप डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि फ्लिपकार्ट पे अब आपको एफिशॉर्ट कैसे मिलेगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।